आज हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, और एपी की आपको सीरीज दे रखी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या है हम देखें। यहाँ पर लिखते हैं एपी इज इक्वल टू, ये हमें सीरीज दे रखी है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। आपको इस सीरीज की 10th टर्म निकालनी है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए। ओके, एंड देन सेकंड क्या दे रखा है, ए ए को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे और वो एक दे रखा है आपको। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड डी। कॉमन डिफरेंस को डी बोला जाएगा। तो यहाँ पर होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि ये सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटा देंगे, तो 4 में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 3। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप 10th टर्म निकालो, तो इससे पहले आपको nth टर्म पता होने चाहिए। देन nth टर्म का एक फॉर्मूला है, तो nth टर्म का फॉर्मूला a n से रिप्रेजेंट होता है। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। नाउ यहां पर आपको a की जगह, n की जगह और d की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है 10th टर्म, हमारा फॉर्मूला है nth टर्म का, तो n की वैल्यू ऑलरेडी 10 दे रखी है। आपको 10th टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, a 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर a की जगह पर वैल्यू 1 लिखनी है, सो दैट्स वाई 1 आएगा, प्लस इस n की जगह पर वैल्यू आपको 10 लिखनी है, तो यहाँ पर आएगा 10 माइनस 1 इंटू में d की जगह पर वैल्यू आपको 3 लिखनी है, तो यहाँ आएगा 3। ना बहुत सिंपल है, पहले 1 लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे, एंड देन 10 माइनस 1 9 होता है इंटू 3, तो इसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 होगा, एंड द फाइनल आंसर इज 28। 28 इज द फाइनल आंसर। सो 10th टर्म हम लिखेंगे, 10th टर्म इज 28, यानी कि 10वें नंबर की जो टर्म है वो 28 होगी, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब आपने ये पहला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको कराया समझ लिया है, तो हम चलते हैं अब इसके असाइनमेंट के पास, यानी कि आप चेक करिए कि इस पहले क्वेश्चन को समझ के आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स देखने से नहीं आती। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। अगर आप सिर्फ पहले क्वेश्चन को देख लेते हो तो आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए, लेकिन अगर आप इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन खुद से सही कर भी पाते हो, या फिर कितने भी स्टेप्स तक, जो स्टेप्स आपने करे हैं कुछ स्टेप्स तक आप करोगे फिर गलती हो जाएगी, तो उस गलती के लिए आप उसे चेक करिए। वो चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे इन दोनों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये सॉल्व है, दोनों का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिलेगा, वहां जाके क्लिक करिए, पहले का सॉल्यूशन देखिए, ये सेकंड वाले का सॉरी, और थर्ड वाले का सॉल्यूशन देखिए, और चेक करिए कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई और आपने कितना सीखा। Thank you.